choose to be. This is seating arrangement for Wise, Alifar Wise. These are the books pertaining to SSRB, NEET, and so far. I can see a number of competitive exams. We are having at least more than 12,000 books in this library, which includes religious books, historian की books लिखी गई है, physics है, chemistry है, bios है. This is for, this zone stands for girls. These are the benches is for the height of students. One can go through the contents of a newspaper, magazine, so many. Let's more के लिए भी देख सकते हैं. Sir, this is the only library in district Kishtwar, which one is exemplary, having dimension 50 by 30 square feet, sir. और मैं आपके चैनल के माध्यम से I would like to request all senior citizens, boys, girls, कि वो यहाँ आए और यहाँ पढ़े, स्टडी करे. We are having CCTV facilities, drinking water facilities, number of so many other things, supportive things, security, certain security matters, वो सारी बातें हमारे पास है. हमारे इस लाइब्रेरी में फीमेल लाइब्रेरियन भी है, मेल भी है, कोई इश्यू नहीं है. हाईली सेफ एंड साउंड है और ये पूरी पब्लिक के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलर बेसिस पे. ये कोई खाली कोई इस्लामिक लाइब्रेरी नहीं है. यहाँ तरह तरह की बुक से हर मजहब को रिफ्लेक्ट करती है और जो बुक्स हैं जो रिलेट करती हैं और नीट को, एसएसआरबी को एंड सो फार मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सर, सारे इसमें सर ये है हमारे यहाँ के चैनल पेपर, यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, सेलेक्ट के लिए. जनरल नॉलेज जो है हमारे यहाँ पे है, लेटेस्ट जनरल नॉलेज की जो बुक्स है वो भी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे. बाकी रिलीजियस बुक्स भी है यहाँ पे, हर टाइप्स की बुक जो है यहाँ पे मिलेंगी आपको. तो आप यहाँ पे आए, ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे पढ़े. मुझे लगता है एक किस्म की बुक नहीं होती, बहुत सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है. जनरल नॉलेज की बुक्स मिलेंगी, नेट जेआरएफ जो करना चाहता है उसकी बुक्स मिलेंगी यहाँ पे. डिफरेंट जो एग्जाम्स है उनके बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल. एक ही कमरे में आपको सारी बुक्स जो है अवेलेबल है यहाँ पे. तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आके स्टडी पढ़े लिखे यहाँ पे आके. मैं एक चीज और ऐड करूँ, यहाँ बीएड कॉलेज से इंचार्ज प्रिंसिपल मैं. ये हमारे बीएड कॉलेज की लाइब्रेरी है. यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बुक्स हैं, हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, बहुत से टाइप्स की बुक्स हैं. मैं ये कहना चाहूंगी सभी को कि वो यहाँ पे आए, पढ़े यहाँ पे. और ये हमारे जो कॉलेज की है मिसेज अरुषा जी. सर अगर मैं बात करूँ बुक्स की, यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन है. अगर हम JKSSB की बात करें तो उसकी भी काफ़ी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की और इंडिया की भी. इसके अलावा लाख की भी कुछ बुक्स हैं, UGC NTA NET की भी बुक्स हैं. और यहाँ पे अभी तो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, कंपनीज कंप्यूटर पे चढ़ा रहे हैं हम बुक्स. तो इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि जितने भी किश्तवाड़ की यूथ हैं जो आउटसाइडर होते हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है रूम्स पे पढ़ाई करना, तो यहाँ पे फैसिलिटी से ताकि वो यहाँ पे आएं और यहाँ का बुक्स का वो अच्छे से यूज़ कर पाएं.
एज ए ग्रेट प्रिंसिपल एज ए लोकल आप यहाँ के बच्चों के लिए क्या मैसेज है? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलेगा, हर टाइप्स की बुक्स मिलेगी, आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर टाइप्स की बुक्स उनको यहाँ पे मिलेगी। वो यहाँ पे आए और अच्छे से देखें यहाँ पे कि कैसे क्या क्या बुक्स हैं, तो पढ़े यहाँ पे आके। और भी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट बुक से विच पर्टेन्स टू सिविल एग्जाम्स लाइक JKAS, लाइक IAS, IPS सर, और फॉर SSRB एग्जाम्स, सो मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम सारी किताबें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सर विद इन वीक्स टाइम। बस हमें सिर्फ देरी है सर, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आमिर हुसैन साहब जब तशरीफ फरमा होंगे उनके हाथों से इसका इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद सर ये लाइब्रेरी फॉर पब्लिक के लिए खोली जाएगी सर। लाइब्रेरी की एरोल्स रोड में देर इज नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक, अगर जहां भी लाइब्रेरी तो आई गई डिस्टर्बेंस, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, पीस है और कंजीनियल एटमॉस्फेयर पढ़ने के लिए, कंजीनियल एटमॉस्फेयर। आई एम लाला, APG अब्दुल कलाम, द ग्रेट मिसाइल मैन। इनका मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि जब ये एडवांस कंट्री में जाते थे, जो वो सर्कल्स तैयार करते थे 3 सालों से 4 सालों से, ये खाली देखते थे। मैंने पढ़ा नागिन की तरह इसकी आंखें थी, आंखें इसकी वीडियोग्राफी करती थी। जो ये इंडिया वापस आता था, जो उन्होंने 3 साल में किया होता था, ये 3 महीने में करते थे। इस लाइब्रेरी में जो इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल है उसकी भी बुक्स है, और जो कॉलेज है उसकी भी है। अब एज पर दिस डायरेक्शन फ्रॉम वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर जो इसको प्रेजेंट है, हमने इन दोनों को कलेक्ट करके तो इस पूरी लाइब्रेरी को इस्लामिया फरीदिया हाई सेकेंडरी स्कूल 10+2 ने ओन किया, और हमने अभी तक 1.5 लाख रुपया इसकी सेटिंग के लिए इन्वेस्ट किया, खर्च किया, इसकी ब्यूटिफिकेशन, इसकी बाकी चीजें हमने फाइनेंशियल जो भी होगा इश्यूज वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और उसके अलावा सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल बीएड कॉलेज।